मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से पा सकेंगे। जो करने से सामने वाला खुद अपने आप आपकी इज्जत करने लगेगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में ऐसे हजारों किस्से होते हैं जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। जब हम दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं और सामने वाला तब भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। फ्रेंड्स, अपनी इज्जत खो देना कई बार हमको बुरी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है। अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि कोई आपकी जिंदगी से या आपकी खुशी से खेल के आराम से चला जाए। जिस दिन आप खुद की इज्जत समझोगे, ये दुनिया अपने आप आपकी इज्जत करने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। पहला पॉइंट है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। अक्सर हम अपने प्यार का एहसास दूसरे के सामने करने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की नजरों में हमारी कोई इज्जत, कोई वैल्यू है कि नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमें प्यार करे, हमें इज्जत दे, लेकिन सामने वाला तो किसी और ही के साथ बिजी होता है। और ये चीज भूल के हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल के उसको वो क्या करता है वो चीज भूल के उसके पीछे पड़े रहते हैं। देखो दोस्तों, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आपको अपना इमोशन, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खोना है। आपको ना तो किसी के दुख, कोई आपको दुख दे रहा है, किसी के दुख देने से रोना चाहिए, और ना ही किसी के खुशी देने से खुश होना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, आपको खुद पता होना चाहिए। किसी और पे आपकी खुशी, आपका दुख डिपेंड हो, ये आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद उसके हाथ में दे रहे हो कि वो आपको कॉल करेगा तो आपको खुशी होगी, अदरवाइज आपको खुशी नहीं होगी। आप अपनी वैल्यू समझो। पहले आप ये सोचो कि सामने वाला आपको कितनी इज्जत दे रहा है। आपके खुश होने से और आपके दुखी होने से उसको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में रख सकते हैं और अपने हाथ में ही रखिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में ही होती है, सामने वाले के हाथ में नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, कोई भी काम जो आप नहीं कर सकते हैं, आप उसमें अपना 100% दीजिए। बोलते हैं ना कि कोई भी चीज जब बार 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 होती है तो वो होती जरूर है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, वो एक टाइम पे वो जरूर होगी। हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम है, लेकिन होगी जरूर। जो 10 लोग बोलते हैं तुमसे ये नहीं होगा, आप वही करने का ट्राई करो, होगा क्यों नहीं। वहां आप जब इम्पॉसिबल चीज लोगों की नजरों में आप जो नहीं कर सकते हो, जो लोगों की नजरों में इम्पॉसिबल लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप वही काम करके उनको प्रूफ करो कि आप कर सकते हो। लोगों की नजरों में ऑटोमेटिक आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग कोई काम नहीं कर, कोई लड़का है या फिर कोई भी लड़की है, जो काम वो नहीं कर सकती है, जैसे रीडिंग करना हुआ या स्टडी कुछ भी हुआ, वो उस चीज को बहुत हार्ड बताएगी कि नहीं ये बहुत हार्ड है यार, ये नहीं हो पाता है। लेकिन एक्चुअली में वो हार्ड नहीं होता, आप वही काम बहुत इजीली कर लेते हैं। तो आपको जो भी करना है वो ऐसे इंसान से कभी मत शेयर करें जो खुद वो काम नहीं कर सकता है। वो पहली बात तो वो कि वो आपको सही सलाह नहीं देगा, और दूसरी चीज वो आपको वहां से भटका देगा कि नहीं यार ये बहुत हार्ड है, ये तो उससे नहीं होगा, ये मत करना, इसके वजह से ऐसा हो सकता है। तो जो भी आपको करना है वो दूसरे इंसान को, ऐसे इंसान को जो वो काम खुद नहीं कर सकता है, तो वो उस इंसान से कभी शेयर मत करना। इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। आप एक बार करने की कोशिश तो करो, होगा जरूर, भले थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा, 100% गारंटी, होगा तो होगा। तीसरी बात, आप उन बातों से पीछे मत हटो जो आपने बोली है। अगर आपने झूठ बोला है तो आप उसे एक्सेप्ट करो कि आपने झूठ बोला है, या फिर अगर आपने कुछ करने का या फिर कुछ अच्छी बात बोली है तो आप उसको भी बोलो कि हाँ ये मैंने बोली है।
मैंने ये करा है, मैंने ये बोला है, खुद मैंने बोला है, आपका एटीट्यूड और अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, इसी चीज की दुनिया फैन है। यही चीज लोगों में अच्छी लगती है लोगों को, कि वो अपनी बात तो कैसे रखता है, वो अपने आप को कैसे दिखाता है। दोस्तों कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है, उस इंसान की नजर में आपकी वैल्यू नहीं है और फिर भी आप वहां पे हो, तो आप तुरंत तुरंत उस रिलेशनशिप से या फिर उस जगह से आप तुरंत निकल जाओ जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं है। वहां आपकी क्या होगी? अगर आप हंस के उसे टाल दोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद से खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें, तभी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो मुझे सपोर्ट की नीड है। आपका एक लाइक मुझे कोई पैसा कुछ भी नहीं देगा, बस मुझे एक हौसला मिलता है कि हाँ मेरी वीडियो लोगों को अच्छी लगती है। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से आपका भी कोई पैसा कुछ भी नहीं लगता है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू।